गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज प्रियंका राठौर व्लॉग्स। आप लोगों को तो टाइटल से पता चल ही गया है कि मैं इंडिया जा रही हूँ और मेरा सामान जो पूरा ऐसे भरा पड़ा है वो है। और ये सब सरप्राइज है, इंडिया में किसी को नहीं पता है, इंडिया में तो किसी को नहीं पता है, बट मेरे यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जो थी, मेरी मदर्स ग्रुप की फ्रेंड्स को पता था और मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि उन लोगों को काफी टाइम से वो यही कहते रहते थे ऑगी को देखना है, कब आएगी इंडिया, कब आएगी। मैंने कहा मैं इस बार मन में मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं इस बार जब भी इंडिया जाऊंगी मैं बताऊंगी नहीं किसी को भी, मैं सिर्फ जाके घंटी बजाऊंगी और या फिर ऑगी को भेजूंगी आगे। तो बस हाँ, एक जने को पता है जो मेरा इंडिया में पूरा हेल्प कर रहा है, वो है मेरा कुकू मीन्स मेरे बड़े पापा का जो द्वैता है देवराज, और जिसको मैं कुकू बोलते हैं, उसका घर में नाम कुकू है। तो वो मेरी पूरी हेल्प कर रहा है, वो और मैं दोनों मिले हुए हैं। और वैसे यहाँ पर तो मतलब दुष्यंत को पता है, राम को पता है और बाकी किसी को नहीं पता क्योंकि हम लोग काफी टाइम से, मैंने को लग रहा था यार किसी को पता चल गया तो कैसे करेंगे, कैसे सब करेंगे। और मैं सब और इवन मैं अब मैं अपने फैमिली से रोज वीडियो कॉल पे बात करती हूँ तो मुझे लगता है मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, कैसे डील कर रही हूँ। तो मैं अब ऐसे रोज बहाने बना रही हूँ कि ना मैं इधर बिजी हूँ, इधर बिजी हूँ। तो सीक्रेट रखना बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है सीक्रेट रखना, बट उस खुशी के लिए मैंने ये सीक्रेट रखा है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। मैं सारा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और अब मेरी जो जर्नी है इंडिया की वो मैं करने वाली हूँ। और मुझे पता है मेरे फैमिली और मेरे बहुत, मैं रोने वाली हूँ, मुझे पता है मैं जैसी भी लूंगी मैं इतना रोऊंगी। पता है कितने साल हो गए, 4 साल हो गए मैंने मेरे पेरेंट्स से नहीं मिली हूँ, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। और सिस्टर्स से तो मिली हूँ बट मैं मेरे मम्मी पापा से नहीं मिली हूँ और मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। दुष्यंत फिर भी अपने पेरेंट्स से मिला था, दुष्यंत के पेरेंट यहाँ पे 2019 में आए हुए थे और 2020 में गए थे। तो मिकी अपने पेरेंट्स से अभी मिला था मीन्स 2020 तक, पर मैं मेरे पेरेंट्स से 18 से नहीं मिली हूँ और मुझे बस अब उनसे मिलना है और उनको गले मिलना है। और अब की बार मतलब मेरे को बोलते हुए भी रोना आ रहा है पर मैं रोने को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि ना मैं वो आंसू अभी से ही, मुझे पता है मैं अभी से रोना शुरू हो जाऊंगी मेरा पूरा रास्ता खराब हो जाएगा और बहुत मुश्किल होएगी। और ऑगी अभी सो रहा है क्योंकि ऑगी के तो ये सोने का टाइम है और मेरी फ्लाइट है आज 5 बजे की और आज संडे है, संडे को मेरी फ्लाइट है 5 o'clock की। और बस अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, मैंने मेरे पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स ले लिए क्योंकि मुझे इंडिया आने के लिए वीजा लेना पड़ता है, तो मैंने अपना इंडिया का वीजा ले लिया है और मुझे वीजा ज्यादा नहीं मिला है बट मैं जितना भी हूँ मैं रहना चाहती हूँ इंडिया और सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और काफी चीजें हैं जो मैं अपने आप को थोड़ा सही करने के लिए भी इंडिया आ रही हूँ क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी और काफी इश्यूज चल रहे थे मेरी मेंटल हेल्थ पे और साथ साथ फिर ये हर्निया भी था। तो मैं चाहती थी कि मैं अपना हर्निया का ऑपरेशन करा दूं और इनफैक्ट जो भी मुझे ये स्ट्रेस और एंजाइटी या डिप्रेशन जैसे रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपसे कभी एक टॉपिक पे बात करूंगी कि भाई वो कैसे अपन को मैं खुश, कई लोगों के कमेंट आते कि आप कितनी खुश हो, आप कितनी अच्छी लाइफ है, अच्छी लाइफ है बट जो कैमरे में दिखता है वो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम अंदर हम बिल्कुल 100% सही है, ऐसा नहीं होता है। मुझे लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, डॉक्टर ने दुष्यंत को बोला था, और इतना ज्यादा मुझे एंजाइटी इश्यू रहता है कि मैं अभी भी मेरे दिमाग में बस चीजें चलती रहती हैं और मैं उससे मेरे को घबराहट होती है। और अब मैंने मिक्की ने लास्ट मुझे बोल दिया था कि अब जाओ इंडिया और जाके ना मैं अपने हैप्पीनेस कोर्स और आर्ट ऑफ लिविंग और मैं योगा क्लासेस सब ज्वाइन करना चाहती हूँ, अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ थोड़ा सा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हो गया था मेरी लाइफ में और मेरा किसी में भी फोकस नहीं हो रहा था और मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी। मेरे पेरेंट्स ये व्लॉग देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ज्यादा बोलूँ इस वाले व्लॉग में, बट मेरे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत पता है बट ज्यादा नहीं पता है, बट जिसने ज्यादा देखा है वो है दुष्यंत और गुड़िया क्योंकि गुड़िया यहाँ थी तो उसको पता है कि मैं किस उस पे गई थी, मैं किस चीज से, मैं कैसे मैं अपने दिन निकाल रही थी उस वक्त। तो मैं कभी इस बारे में बात करूंगी, बाकी मैं बहुत अब मैं इस चीजों को बात नहीं करना चाहती, मैं इतनी खुश हूँ, मेरी आंखों में आंसू है और मैं अपनी आंखों को रोक रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा खुश हो रही है, बट मुझे सैड मैं बहुत हूँ क्योंकि मैं दुष्यंत को छोड़ के जा रही हूँ। तो दुष्यंत आपको हमारी याद आने वाली है बहुत मिकी तो गम में अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ है जब से उसको पता चला ना ये संडे को जा रही है। तो ऑब्वियसली हमने और दुष्यंत एक दूसरे के बिना नहीं रहते ज्यादा, लास्ट टाइम मैं एक बार इंडिया गई थी 6 महीने के लिए तो दुष्यंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैं इतने लंबे तक रखी थी, वो हमेशा मुझे कहता है मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं जाने दूंगा, बट दुष्यंत को इस बार पता है कि मैं को सही होना पड़ेगा और उसने मुझे बोला कि यू नीड टू
मतलब मेरे को अपने आप को अपनी एंजाइटी और ये जो डिप्रेस्ड और जो भी चीजें हैं मेरी लाइफ में मुझे वो हटानी है और खुश रहना है और ताकि मैं हर कोई चीज में फोकस कर सकूं। तो अभी मेरा फोकस है कि मैं इंडिया जा रही हूँ और फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं पूरा व्लॉग बनाती रहूंगी और हो सकता है कि ये व्लॉग थोड़े से ज्यादा बड़े होगा। फर्स्ट व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप आगे देखते रहना। और अभी मैं जाती हूँ, जल्दी से चेक इन करती हूँ क्योंकि मेरे को लास्ट मिनट मैंने काफी 20 आई थिंक एक महीना हो गया ना अपन ने टिकट बुक कराए हुए, ऑलमोस्ट कितना हो गया ना, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मेरा टिकट पहले से ही हो चुका था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सोनोग्राफी वगैरह कराई डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि सोनोग्राफी वगैरह करानी पड़ेगी तो मैंने सोच लिया था कि मैं इंडिया में कराऊंगी या नहीं कराऊंगी, अब मैं इंडिया में ही करूंगी, अब जो भी करना है मुझे यहाँ नहीं करना क्योंकि अकेले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा काफी टाइम से था बट मैं किसी को नहीं बताया, इतनी खुश हूँ, मेरे मदर्स ग्रुप में पता था और मदर्स ग्रुप वाले मुझसे मिलने भी आए। और मैं एक और चीज शेयर करती हूँ आप लोगों से गाइस, मंडे को मेरी एक फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, सब लोग मुझसे मिलने आना चाह रहे थे क्योंकि ये ना मैं जा रही थी, और फिर वो जब मेरे से मिलने आई मेरी फ्रेंड जो मंडे को, वो मेरे पास 8-9 घंटे रुकी थी और वो उसको कोविड पॉजिटिव हो गया था नेक्स्ट डे ही, उसको उसके हस्बैंड और उसके बच्चे को, और हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड करा था। और पता है मेरे को तब से उसको भी डर लग रहा था, मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे इंडिया जाने का टाइम है और ना मैं कहीं पहले से ही ना मैं क्लोज कॉन्टेक्ट थी इतनी, और मुझे लगा कि मेरे को जाने से एक दिन पहले कहीं कोविड हो गया तो मुझे कुछ हो गया तो मुझे घर मुझे नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है। मैंने सती माता को बोला प्लीज सती माता मुझे कोविड और ऑगी को भी कोविड ना और दुष्यंत को भी ना हो और ना आराम से इंडिया भी पहुंच जाओ, इंडिया में भी किसी को मेरे वजह से किसी को भी ना हो, तो बस भगवान आराम से मुझे लेने। अभी तक तो मैं नेगेटिव ही आ रही थी तो आई एम ओके विद दैट, और बस वहां जाके भी मैं नेगेटिव ही रहूं। और बस अभी हम एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाले हैं और मुझे धक धक भी हो रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 4 ईयर्स बाद मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने वाली हूँ। मैं सिंगापुर एयरलाइन से जा रही हूँ, पर्थ से सिंगापुर और सिंगापुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। मेरा कुकू जो है मेरा वो भांजा वो कब से आया हुआ है दिल्ली, वो मेरा दिल्ली में 2 दिन से वेट कर रहा है, तो मतलब उसको 2 दिन उसको कुछ एग्जाम्स थे तो वो एग्जाम्स देने आ गया था, वो 2 दिन वहीं है और अब वो मुझे आएगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए भी और सारी फैमिली से, और मैं अपने इमोशंस मैं इतनी रोने वाली हूँ भाई, इतनी रोने वाली। और अब इंडिया व्लॉग्स बनेंगे इंडिया में भाई, आप लोग मुझे इंडिया में देखते रहोगे कहीं ना कहीं शॉपिंग करते हुए चाट पकौड़ी खाते हुए। निकी आपका मन हो रहा होगा, निकी अभी से उदास मत हो जा रहा है, इतने उदास इतना सैड हो गया, निकी बहुत सैड हो गया, बिल्कुल रो ही जा रहा, रो रहे थे रोने से तो वही मैं मतलब गोलगप्पे खाऊंगी, सब चीजें खाने वाली हूँ जो मेरे को खाना है, और रेडियो पे गोलगप्पे खाना इज माय मेरा सबसे फेवरेट है तो वो करने वाली हूँ। ऑगी के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ऑगी अपने दादा दादी नाना नानी और अपनी मासियों से और अपने भाई से मिलने वाला है, सबसे ज्यादा तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ, या तो दादा से मिलने वाला है और अपनी बुआ दादी सा से भी मिलेगा क्योंकि बुआ दादी सा भी से भी अब सबसे अपने सब बुआ सा से सबसे अब पहली बार मिलेगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सबके रिएक्शंस लेने वाली हूँ। बट अभी मेरे को देखो मैं इन लॉस को पूछूंगी कि उनको व्लॉग में आना होगा तो मैं पक्का उनसे पूछ के ही व्लॉग बनाऊंगी, तो मेरे घर वाले तो ऑब्वियसली आएंगे बट मैं अपने इन लॉस से बिना परमिशन के उनके ब्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, मैं उनसे पूछूंगी, यदि उनको वो हाँ भरेंगे तो मैं पक्का बनाऊंगी। तो अभी तक तो सबके लिए एक सरप्राइज है बट ऑब्वियसली उनको मेरे इन लॉस को सरप्राइज पहले ही पता पड़ जाएगा बिकॉज मैं जब तक इंडिया पहुंचूंगी और मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगी और मैं अपने पेरेंट्स के मतलब मैं जयपुर जा रही हूँ फैमिली के पास पहले, तो फिर उनको तो पता पड़ ही जाएगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और चलिए अब ये सफर मेरे साथ आप इंजॉय करिए। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं हम, ओगी एयरपोर्ट आ गया है, चलो चलो इंडिया जाए, ओगी इंडिया जाए, ऑगी उठ गया है और अब बस हम अंदर पार्किंग ढूंढ रहे हैं और फिर अंदर जाके एक बार हम चेक इन करते हैं, फिर आप लोगों को चेक इन करने ही लगे थे जितने मैंने, तो ये सलमान खान को ठंड नहीं लग रही है, देखना सलमान खान ने अपना जैकेट खोल लिया है, हाफ जैकेट पहन रखा हाफ पहन ही नहीं रखा, आपको ठंड नहीं लग रही है सलमान खान, अपने आपको हीरो समझ रहे हो, इंडिया में गर्मी है यहाँ पे गर्मी नहीं है, यहाँ ठंडी पड़ रही है, आई नो इट्स हियर बट यहाँ ठंड है, आपको जैकेट पहनना पड़ेगा, अब उसने जैकेट क्यों खोल दिया है भाई। पापा ट्रॉली लेने गए और ये मैं जब तक इनका आपको आउटफिट दिखाती हूँ, आज इन्होंने इस टाइप से पहना है, इनको जैकेट नहीं पहनना है ये कह रहे हैं। ऑगी को मैंने कभी भी इतना सैड नहीं देखा है, अभी वो कब से रो रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है, और पापा इसी है, पापा इसी है, देखो कैमरे में भी नहीं आ रहा है, आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसे। ऑगी सबको हेलो बोल दे, पापा देखो पापा ऐसे कर रहे हैं कब से, रोने नहीं ऑगी। हमारा चेक इन हो गया है और अभी चेक इन के बाद में अभी पापा को छोड़ ही नहीं रहा है, उसको पता चल गया है कि ये ना शायद पापा जा रहे हैं इंडिया, इंडिया नहीं जा रहे हैं, सॉरी इंडिया नहीं जा रहे हैं, तो वो मिक्की को छोड़ ही नहीं रहा है, और बाकी हमारा चेक इन हो गया है और हम
थोड़ी सी देर में बस जाएंगे और शायद हो सकता है रोना आई जाए आपको। रोना तो आप अच्छे से रहना वहाँ पीछे से। तो मिक्की के साथ ये छुपन छुपाई खेल रहा देखना एयरपोर्ट पे। छोड़ी ओगी ने आते ही प्लेन में धमा चौकड़ी कर दी है। हमने आगे वाली सीट ली है बट ये पता नहीं क्या कर रहा है। ओगी प्लेन में बैठो, यहाँ बैठो। ओगी यहाँ बैठो। इसने पूरा यहाँ पे तबाही कर दी है देखना। हम यहाँ बैठे हैं सीट पे, बैठ गए हैं हम लोग और मैं और बस। अब हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होने वाली है ना ओगी। और ओगी अपना यहाँ एकदम बिल्कुल फ्रंट में बैठे हुए हैं और ओगी बड़ा मजा कर रहा है। फ्लाइट में ओगी ने थोड़ी देर टीवी देखा और पास में मेरे एक ना गर्ल थी जो बहुत अच्छी थी, पर्थ से हमारे साथ ही आई थी और वो उसके साथ पूरे टाइम खेल रही थी। वही उसके ईयरफोन्स लगा रही थी, वही उसके लिए टीवी लगा रही थी। और फिर ओगी का डिनर आ गया था तो ओगी ने थोड़ा बहुत उसमें से खाया। उसमें से उसने काफ़ी चीज़ खा ली थी बट जो नहीं खाई वो मैंने खा ली। और जो पास्ता जो ऑर्डर किया था दुष्यंत ने, तो दुष्यंत नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ये वाला पास्ता ऑर्डर मत करना, उसके लिए कुछ दूसरा मील ऑर्डर करना। और फिर मैंने पास्ता आपको दिखाने के लिए एक वीडियो बनाया कि ये वाला पास्ता था जो उसको बिल्कुल नहीं भाया, क्योंकि मैं उसके लिए अलग टाइप का पास्ता बनाती तो उसको ये नहीं भा रहा था। फिर ओगी काफ़ी देर तक उस गर्ल के साथ खेलता रहा, वो सारे टाइम उसको एंटरटेन कर रही थी, प्लेन्स दिखा रही थी, चीज़ें दिखा रही थी, खिड़की में बाहर दिखा रही थी और उसके लिए बेड बनाया था ये नीचे उसने तकिया लगा कर। और फिर ओगी उसके साथ खेल रहा था, उसको हमने कुछ कटोरियाँ वगैरह दे दी थी तो वो खेल रहा था। जब मेरा खाना आ गया तो मैं मेरे खाना खा रही थी और वो भी साथ साथ आइसक्रीम भी खा रहा था और कटोरियों के साथ खेल रहा था। और मेरा खाना बहुत ही टेस्टी था क्योंकि दाल चावल थे। और फिर ओगी सिंह ने बस ठान ली थी कि कुछ ना कुछ बदमाशियाँ करनी है और उसके बाद वो सो गया। और वो सोया तो मैंने उसको बेसिनेट में डाला, थोड़ी देर बेसिनेट में सोया और उसके बाद फिर मेरी गोदी में आके सो गया। और ऐसे ही ये सफ़र चला। और उसके बाद मैंने भी थोड़ी देर फ्लाइट में रेस्ट किया और फिर हम सिंगापुर पहुंच गए। और सिंगापुर में काफ़ी देर प्ले एरिया में ओगी खेलता रहा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी। और नेक्स्ट फ्लाइट के बाद हम लोग पहुंच गए इंडिया और ये है दिल्ली। और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो दिल्ली स्टाफ था, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने मेरे सारे काम करवा दिए थे और सारा लगेज लेना सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने मुझे डोमेस्टिक एयरलाइन में भी छोड़ दिया था। और डोमेस्टिक एयरलाइन पे मुझे कौन मिला? कुकू मिला, क्योंकि कुकू मुझे जयपुर से दिल्ली लेने आया था। थैंक यू सो मच कुकू। और इसका नाम देवराज है जिनको नहीं पता है, और मेरा सबसे प्यारा भांजा है जिसने मेरे को इतनी दूर से लेने आया और सारा सीक्रेट भी उसको रखा उसने। और उसके बाद हम लोग जैसे ही जयपुर पहुँचे तो हमने सोचा इतनी हवाओं में एक तो वीडियो बनता है। और वंस अगेन थैंक यू देवराज, मेरा सबसे अच्छा फेवरेट भांजा है, वापस से बोल रही हूँ मैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए और मेरे को धक धक स्टार्ट हो गई क्योंकि अब मैं मोरू से मिलूँगी और मैं वो चीज़ देख नहीं सकते हैं ना अभी। अपन इतनी नर्वस हो रही हूँ ना, इतना सब लगेज का सही फिट कर रहा है। हमारा लगेज आएगा और प्रैम आएगा, काफ़ी सारा सामान है। होगी देखना, ये सोच रहा है कि इतनी गर्मी कैसे हो रही है, इतनी गर्मी है ना होगी। बस ये बस नहीं है, बहुत है। कुकू के फ्रेंड लेने आ गए हमें तो अब हम बस सामान डाल रहे हैं ये लोग। और थैंक यू कुकू के जो फ्रेंड है उनको थैंक यू। फिर देवराज का फ्रेंड योग्स आ गए थे, योगेंद्र सिंह शेखावत इनका नाम, और ये कुकू का फ्रेंड है। तो कुकू मुझे दिल्ली आया था लेने के लिए तो अब ऑब्वियसली जयपुर में हमें कौन लेने आता, तो कुकू ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। सो योग सा सब कुछ छोड़ के सुबह सुबह हमें लेने आए, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी अपने जो फ्रेंड्स हैं वो भी फैमिली बन जाते हैं, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर रास्ते में जयपुर के भ्रमण कर रहे थे, पूरा जयपुर देख रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ओगी को जो हॉर्न की आवाज़ से बड़ा ही खुश हो रहा था वो, खिड़की में देख रहा है सारी बाइकें और हर चीज़ देख रहा है। नहीं कभी नहीं।